हेलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी गुलजार है, मैं सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ फ्रूट केक। जी हाँ, फ्रूटी फ्रूटी फ्रूट केक। और ये मैंने बनाया है डोनट मोल्ड में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी की। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि मैं अपना बर्तन चढ़ा देती हूँ और उसमें मैंने रेत डाल दिया है। इसे हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे स्टैंड लगा। और अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी केक की तैयारी शुरू करेंगे। तो अब हम अपने मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। ये मोल्ड मैंने अमेज़ॉन से लिया है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। इसे ग्रीस करके अब हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ देखिए, तमाम तैयारियाँ मैंने कर रखी हैं, जो जो सामान इसमें जाएगा। तो अब एक बाउल में हम लेंगे 1/3 कप चीनी और 1/3 कप ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं इसमें भूल गई थी, मैंने इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी डाला था। और यहाँ मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ इसमें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ चेरी में हम 1 चम्मच मैदा डालकर अच्छे से डस्ट कर देंगे चेरी को। ये टूटी फ्रूटी है, सॉरी। इससे ये होगा कि ये केक के लास्ट में नहीं बैठेगा। और यहाँ मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, 1/2 कप दूध वाला पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तरीके का बहुत ही बेहतरीन टी केक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में बनाना बेहद ही आसान है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आपको अवेलेबल नहीं हो पाए। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ये जो टूटी फ्रूटी है वो मिक्स कर देंगे। और ये टूटी फूटी मैंने 1/4 कप ली थी। आप चाहें तो इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, केक हमारा रेडी है। हाँ, केक